वॉइस से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बट कल से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। हम बर्न करने की कोशिश करें, बर्न हो या आगे आता जा रहा है। अच्छा, जो एक्सीडेंट ही हो रहा है वो होते जाएगा, बहुत अच्छी चीज। आपने क्या मुझे मेरे बारे में कुछ मतलब नहीं, 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 नहीं सर, नहीं। थोड़ा हमारी भी तारीफ कर रही आपका होस्ट एंड दोस्त, आपके सामने जो हमेशा अलग अलग तरह के एथलीट्स लेकर आता है। वी द टीम हियर हैव बीन प्रेजेंटिंग यू मेनी एथलीट्स ओवर हियर। यू हैव सीन स्विमर्स, यू हैव सीन क्रिकेटर्स। हियर इज वन मोर टैलेंटेड स्विमर ओवर हियर। एज यू कैन सी, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। हिज नेम इज ध्रुव मोहिते, द यंग एंड टैलेंटेड। दीज यंगस्टर्स हैव बीन ट्रेन्ड अंडर संकेत सावंत सर, द NMS हेड कोच। ही इज अगेन अलोंग विद अस ओवर हियर। आमच्या बरोबर ध्रुव इथे बसला आहे। ध्रुव हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स इन टू द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। गिनती तो बहुत है, हम क्वेश्चन उनसे ही करेंगे। रिसेंटली ही इज बीन नॉमिनेटेड इन टू द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द ग्रैंड मास्टर। आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचे डॅड पण इथे आलेले आहेत, अतुल मोहिते सर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द शो वन्स अगेन। एज यू सी हियर, ध्रुव इज सिटिंग विद अस। सो ध्रुव, द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। यस सर। स्विमिंग की शुरुआत अपने कब से की? 13.5 ईयर का तब से स्विमिंग की स्टार्टिंग की मैंने जी। वी वेंट टू मरीन सेंटर, वहाँ पर ऐसा होता था, मतलब वी कैन पे 100 rupees फॉर एन आवर एंड वी कैन यूज़ द पूल। तो वैसे करते करते वहाँ पर पूल का कुछ तो काम चल रहा था, सो द पूल वॉज क्लोज, सो वी आर नॉट एबल टू स्विम देयर। देन वी डिसाइडेड, वी वेंट टू फादर एग्नल्स एंड देन वी डिसाइडेड टू, वहाँ पर कुछ वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि 100 rupees पे करके मतलब यू कैन यूज़ द पूल। तो वैसे फिर वी पेड 1 month फीस एंड फिर वैसे मेरा स्विमिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। वाओ, प्रूव, आई थिंक द वे यू डिस्क्राइब योर जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड इन स्विमिंग। सर, जब स्विमिंग त्यांनी शुरुआत केली तर तुम्हाला असं कधी मनात अशी भीती वाटायची की तू स्विमिंग करतोय, 5 feet पासून 6 feet पे जाईल, 7 feet पे जाईल? ऍक्च्युली बेसिकली तसं नाही आहे, आमच्या एंटायर फॅमिलीमध्ये कोणाला स्विमिंग येत नाही जी। मग माझं एक इंटेन्शन होतं की कमीत कमी आपल्या मुलाला तरी स्विमिंग यावी, बेसिक स्विमिंग तरी यावी जी, जेणेकरून वाटेल की बाबा कुठे ना कुठे तरी तो एक स्विम करू शकतो। ओनली त्या हिशोबाने आम्ही चालू केलेलं, पण आम्ही एवढं ठरवलं होतं की हा इतका पुढे जाईल म्हणून असं विचार ओके। आम्हाला असं वाटलं नाही की हा ह्या रेंजपर्यंत जाईल, फक्त एक बेसिक स्टार्ट, एक बेसिक नॉलेज असावं स्विमिंगचं, म्हणून आम्ही स्विमिंग चालू केलेली। मग NMSEमध्ये तुम्ही त्याला जेव्हा आणलं, सो तुमचा एक्सपिरियन्स संकेत सर बरोबर जेव्हा झाला, बरोबर सर, व्हॉट डू यू फील अबाउट द कोचिंग विच सर हॅज बीन प्रोव्हाइडिंग यू? ऑब्वियसली ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कैसा था कि जैसे जहाँ पे पहले वो ट्रेनिंग करता था वहाँ की ट्रेनिंग में जैसे मुझे कैसे मालूम पड़ा था कि यहाँ पे भी NMSE में भी ट्रेनिंग होता है। मैंने एक्चुअली वहाँ पे जाने से पहले भी मैंने NMSE में सर्च किया था जी कि ऐसा होता है क्या, बट किसी ने बताया कि ओनली इट्स फॉर मेंबर्स। मी इथे आलो तेव्हा मला माहिती पडलं की इथे फक्त मेंबर्स लोकांसाठी आहे, पण ह्या लेवलमध्ये माहिती नव्हतं की इथे कॉम्पिटिशन लेवलपर्यंत मुलं तयार होतात। मग परत आम्ही काहीतरी दिवस कंटिन्यू केलं तिकडे आणि नंतर अजून एकदा मी सर्च केलं की माहिती पडलं की इथेही होतं। मग कोइन्सिडेंटली मग मी सर्च केलं की संकेत सावंत मग कुठे असतात, काय असतात, मग मी विचार केला की मग आम्ही जिथं ट्रेनिंग करतो तिथून एखाद दोन स्टुडंट्स बाहेर आले, मग ते कुठे गेले, मग त्यांना मी सर्च केलं, मग त्यांनी सांगितलं की आम्ही इथं ट्रेनिंग घेतो आहे। आणि ऑब्व्हियसली संकेत सरांची कोचिंग आणि मी दुसरीकडे पाहिलेली कोचिंग, त्यात जमीन आसमानचा फरक आहे। इथं कसं संकेत सर करून घेतात, ॲक्च्युली बोलतात ना की सगळेच मुलांना 60 students टीचर शिकवते, पण 60 students टीचर पोहोचू शकत नाही, पण मी हे पाहिलं की संकेत सर 60 students पोहोचतात। राईट, शेवटी मग स्टुडंटची विल आहे की किती मुलांनी काय कॅप्चर केलं पाहिजे काय नाही, ते 1, 2, 3, 4, 10 वेळा सांगतात ते मी बघतोय। पण त्यातून जर तुमचा मुलगा कोण XYZ मुलगा जर सुधरत असेल, दॅट इज नॉट इज लुकआउट, बट त्यांच्या कोचिंगमध्ये जमीन असण्याचा फरक आहे। ऑब्व्हियसली मी ते नोटीस केलेलं आहे आणि त्यामुळे सुद्धा एवढा आला आहे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली की इवन आय हॅव हॅड इंटरॅक्शन विथ संकेत सर, मी स्वतः त्यांना पाहिलेलं आहे, द वे ही ट्रेन्स प्रत्येक चाइल्डकडे, तो लहान असो मोठा असो, ते इक्वली लक्ष देतात त्यांच्याकडे। बरोबर, अँड आय थिंक दॅट्स, आय थिंक सर, हॅट्स ऑफ टू यू फॉर दॅट। येस, एक्झॅक्टली, हॅट्स ऑफ टू हिम। ऍक्च्युअली सर, ही डिझर्व्स अ लॉट ऑफ देयर सक्सेस टू दॅट ऑल्सो, क्रेडिट ऑल्सो। ध्रुव, कमिंग टू यू। येस सर, तुझी फर्स्ट रेस जेव्हा होती, येस, ती कोणती होती, तुझ्या माइंडमध्ये काय चाललेलं ते आम्हाला सांग। फर्स्ट रेस सर होती एलिफंटा आयलंड्स टू गेटवे ऑफ इंडिया, 12 kilometers डिस्टन्स होता तो। 12 kilometers डिस्टन्स होता, येस। तर आम्ही लोकांनी डिसाईड केला की हां फर्स्ट रेस हुआ था, ॲक्च्युली इव्हेंट फेब 12 2019। तो हमने डिसाइड किया की इव्हेंट करना है, तो फिक्स नहीं था ऐसा कुछ करना है वगैरह, तो लाइक फेब 2 को 2 February को डिसाइड किया कि हाँ इवेंट कर, ऐसे स्विमिंग का इवेंट करना है। जो बट जो 1 week का जो टाइम जो सर को मिला, वो 1 week के टाइम में सर ने उसको प्रिपरेशन किया, बहुत हार्डवर्क किया था उस टाइम में। हम लोगों को मालूम है कि वो एक तो मॉर्निंग में उतरना था, डार्क में उतरना है,
अंधेरे में उतरना है, वो भी फर्स्ट इवेंट जी। तो संकेत सर ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया था कि उसको रात को 8 बजे तक 8:30 बजे तक 9 बजे तक अंधेरा हो जाए तो उसको पानी का डर ना लगे, उसका भी उतना लेवल तक सर ने प्रिपरेशन लिया था। सर एज दे हैव बीन सेइंग अबाउट अ रेजिम ओवर हियर, वन क्वेश्चन व्हिच कम्स टू माय माइंड इज ट्रेनिंग रेजिम। सो नॉर्मली ये ट्रेनिंग रेजिम कैसे होती है, और स्पेशली जो डार्क में जब आप ट्रेन करते हो क्या डिफरेंस रहता है शाम के वक्त में, क्योंकि लाइट रहता है, और रात के वक्त कैसा होता है, बच्चे भी आपके अंदर काफी आते रहेंगे, तो डार्क में थोड़ा सा कभी डर लगा रहेगा, कैसे करते हो स्पेसिफिकली चैनल में जब जाते हैं तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहता है वो हमें बताइए। सी डर लगता है जी जब अगर एक नया स्विमर है और वो फर्स्ट टाइम कोई अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसको आप बोलोगे कि रात में सी के सामने आप डायरेक्टली जंप कर दो तो वो डरेगा ही क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है जी। तो हम क्या करते हैं स्विमिंग पूल्स में कोचिंग ख़त्म होने के बाद एक हाफ एन आवर ऑल लाइट्स आर क्लोज्ड देन उसको कंटिन्यूसली वो हैबिटल कराते हैं जी जी। तो वो हैबिट बिल्ड होने की वजह से जो वहाँ पर उसको थोड़ा सा माइंड सेट करके हम लोग अप्रोच करते हैं कि तू अंधेरे में भी स्विम कर। ओके सो बेसिकली आप मेंटली उनको प्रिपेयर करते हैं पहले। सो बट ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी कोई डरा हुआ है बच्चा? नहीं ऐसे तो कोई रिस्क नहीं लेता है कि क्योंकि क्या होता है ऑलरेडी हम वो इवेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर और ये सब हमने किया हुआ होता है तो इस वजह से ऑलरेडी हमारा वो प्रैक्टिस हम लोगों ने बैकअप कर दिया जी 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 तो ऐसे डर नहीं लगता। ओके सो बेसिकली इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार विद यू। यस ध्रुव के बारे में आपको क्या लगता है? ध्रुव एक अच्छा गुड लिसनर स्विमर है और जब भी वो आता है तो कोई चीज़ के लिए उसके लिए उसके पास ना नहीं है, मतलब आज अगर सब मुझे ये सेट लेना है तो बिल्कुल ना नहीं करेगा जी जी। वो बोलेगा हाँ चलो सर आई विल ट्राई दिस। तो ऐसे करते करते ही जो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस बिल्ड हुआ बस बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि इट्स टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दिस किड ओवर हियर एंड इक्वली इट्स बीन अ सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड द कोच एंड द स्टूडेंट इटसेल्फ। कमिंग बैक टू यू आई एम सीइंग योर अवार्ड्स यार, ठीक है ये अवार्ड्स तो सारे देख लिए लेकिन ये 4 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपके नाम है, जरा हमें बताइए ये 4 कौन सी रेसेस थे और कब कब आपको मिले और कैसे आपने ये इतनी पदवी हासिल की? सर एक्चुअली 4-5 इवेंट किए मैंने अभी तक जी, तो उसमें से 4 को रिकॉर्ड मिला है। तो फर्स्ट है एलिफेंट आइलैंड टू गेट ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पहले बताया, सेकंड मोरापोर्ट टू कासा आइलैंड जो 14 किलोमीटर्स का इवेंट था, हाँ 4 hours 40 minutes लगे थे उस वो इवेंट के लिए, 14 किलोमीटर्स का चैनल था एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू स्विम दैट चैनल। हाँ सेकेंडली सॉरी थर्ड इवेंट था मोरापोर्ट टू कारंजा जेट्टी 20 किलोमीटर्स का इवेंट था, उसको 5 hours लगे थे और वो इवेंट 1 February 2020 को हुआ था उसको 20 किलोमीटर का चैनल था वो, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी वो स्विम पूरा किया 4 किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से जी। तो वैसा 20 किलोमीटर्स मैंने कंसिस्टेंसी वो इवेंट कंप्लीट किया है एक ही स्पीड में एक ही रिदम में। ओके सो और लास्ट वाला रिकॉर्ड है एलिफेंटा आइलैंड्स टू केगाव बीच उरन, वो 12 किलोमीटर्स का इवेंट है, उसको 2 hours 55 minutes लगे थे एंड वो 12 किलोमीटर का चैनल था, सो 2 hours 55 minutes लगे थे एंड आई एम द फर्स्ट स्विमर ऑफ इंडिया टू स्विम द चैनल। बाकी जितने भी इवेंट्स के उसमें सब में फर्स्ट स्विमर हूँ मैं ऑफ इंडिया। ब्यूटीफुल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सक्सेस ईच ऑफ द अवार्ड्स यू हैव रिसीव्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होना, हाँ इज इट अ स्पेशल मेंशन फॉर यू, इज इट अ स्पेशल थिंग, व्हाट डू यू फील? यस मेरे लिए स्पेशल है। तो क्यों 4 या 5 बार आपने जैसे कहा है, हाँ तो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर द यंगस्टर्स, तो आपको कैसा लगता है सर जब इनका नाम उस वो बुक्स और रिकॉर्ड्स में गया है? ऑब्वियसली एज अ प्राउड पेरेंट्स तो होता ही है जी जी, क्योंकि चलो हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा लड़का जितना मेहनत करता है उसका फल ऐसा दिखता है कि किधर तो कुछ तो उसको अचीव उसमें किया है जी। तो बस ये हमारी ख्वाहिश है कि और वो करें हमारे साथ, हमारा नाम होता ही होता है उसके साथ कोच का भी नाम हुए, ये हम चाहते हैं। और डेफिनेटली सर इट्स अ टीम एफर्ट, एज अ सर एक्चुअली इट्स अ टीम एफर्ट, ईच गोस फॉरवर्ड द स्टूडेंट गोस फॉरवर्ड द कोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस सर डेफिनेटली। कमिंग बैक टू यू, एट टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट जब आगे बच्चे जब आगे जाते हैं हर रेस में इतना अचीव करते हैं तो कभी कभी प्रेशर्स होता है कि हर रेस के साथ हमें और भी अचीव करना है, तो पेरेंट्स का ये ध्यान रहता है बच्चों पे थोड़ा, उनको भी सक्सेस कभी कभी हेड में जाता है, सो आप जरा उसके बारे में बताइए। वो तो मैंने पहले ही दिन जैसे फर्स्ट इवेंट उसने किया था एलिफेंटा टू गेटवे, तो तभी जरा थोड़ा सा ये हो गया था, तो इवन संकेत सर ने भी मुझे बोला था वो थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु
जो टीचर होती है वो हमेशा स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करे रादर देन पेरेंट्स, बिकॉज वो हमारे सामने कैसे भी होता है वी नो इट, बट वो बाहर कैसे करता है वो दैट ही कैन कैच इट राइट, तो थोड़ा सा हो जाता है एज ए किड एक फर्स्ट होता है तो हो गया था, बट इवन देन मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं होता है, फिर तो आपका फर्स्ट जर्नी है, आप ऐसे हवे में मत उड़ो, यू कैन जस्ट कंपेयर टू टेंडुलकर स्टिल इज ऑन अ ग्राउंड लेवल, तो मैंने उनका एग्जाम्पल देते देते वैसे नाउ इज ओके, तभी का थोड़े दिन के लिए था बट नाउ इज ओके, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपने जितना भी किया वो भी कुछ नहीं है, अभी कल परसों जैसे मुझे उसने बताया कि मेरा नाम ग्रैंड मास्टर होगा, आई वॉज स्कूल एंड कम ही वुड लाइक अरे पापा मेरा ग्रैंड मास्टर में एशिया बुक में नाम हुआ है रजिस्टर्ड हुआ है, बट स्टिल यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, इट्स ओके, और आपको एक ही हुआ है ना, तो जब ज़्यादा टर्न्स अप मिलेगी देन आई कैन एक्सप्रेस माई वे, ऑल राइट, सो दैट्स दिस इज ओनली स्टार्ट, सो कीपिंग योर फीट ऑन द ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू यस एग्जैक्टली, नाउ यू हैव बीन फ्रॉम द वर्किंग क्लास फैमिली, सो हाउ डू यू मैनेज स्टडीज एंड स्विमिंग, सर कैसा होता है कि द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी इन द स्पोर्ट्स तो इक्वली स्टडीज में नहीं ध्यान दे सकता है, एंड राइट फ्रॉम बिगिनिंग एज माई पेरेंट्स ऑल्सो वी दे डिडंट फोर्स अस कि तुम पढ़ाई में यानी तुमको जितना आता उतना करो, उन्होंने मुझे हम लोग को उतना ही बताया था कि तुमको जितना आता उतना करो, बट किसी को कॉपी मत करो और किसी को दिखाओ मत ना देखो मत, ऐसा ना कुछ करो कि हमको वहाँ पे फील हो और गिल्टी लगे कि आपको हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो सेम थिंग वी हैव टोल्ड हिम कि हम लोग तुमको पढ़ाई के बारे में फोर्स नहीं, जो तुमको करना है तुम करो, जो तुमको करना है तुम करो, बट वो डिसेंटली करो, अगर पढ़ाई भी करो तो ऐसा ना हो कि तुम एकदम 40% 38% पे मत आइए, एक डिसेंट परसेंट होना चाहिए अलॉन्ग विथ स्टडीज, इंडिया है आपको स्टडी भी करना है और स्विमिंग भी करना है, बिकॉज एक ही लाइन में फोकस करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क आउट, डेफिनेटली यस सर, यस सर, एज यू सेड कि स्टडीज आणि समवर्क खूप डिफिकल्ट आहे, बट एज यू सेड यू मॅनेज इट व्हेरी वेल, तुम्ही त्याला एक शिकवलेलं असं असं आपण करायला पाहिजे सर, ट्रेनिंग पॅटर्न्स ध्रुवचे कसे आहेत आतापर्यंत, ध्रुव जब भी फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था तब उसके स्विमिंग के अंदर बहुत सारे एरर्स थे, तो वो ठीक करने के लिए मैंने उसके पहले स्ट्रोक करेक्शन पे वर्क किया, क्योंकि वो हेड अप करके ब्रीक करता था, तो उसको हमने साइड ब्रीथिंग में कन्वर्ट किया जी, वो एक ही साइड में ब्रीक करता था, उसको हमने रोटेशन उसके बॉडी का जो रोटेशन है वो इम्प्रूव किया, और सेकेंड थिंग ये कि उसकी जो किकिंग थी वो बहुत वीक थी, तो उस पर हमने ज़्यादा वर्क किया, तो ये जो है मॉर्निंग में उसके स्ट्रोक करेक्शंस, फिर इवनिंग में उसका जो एंड्योरेंस वर्क पे वर्क होता था, ऐसे कंटिन्यू है, हमने एक मंथली शेड्यूल बनाया था, तो वैसे करके हमने अचीव किया टारगेट्स, ओके, सो आप बोलते पायदान पायदान अलग अलग करके yes, आप आगे yes, जा रहे थे इनके लिए, ब्यूटीफुल कोच सर, सर एज देयर इज अ टाइम लिमिट फ्रॉम योर एंड बिकॉज यू हैव द कोचिंग ओवर हियर, थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो, थँक यू रोहन की तू परत एकदा या प्लॅटफॉर्मवरती आम्हा लोकांना घेऊन येतोय आणि नवीन नवीन यंग लोकांना चान्स देतोय, ही खरंच खूप मोटिवेशनल आहे आमच्यासाठी आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर चॅनल, थँक्स यू लॉट सर, असं सक्सेस करत राहा, थँक्स यू लॉट सर, सी यू, बाय बाय, सो ये वर संकेत सावंत सर द कोच एनएमएसए हेड कोच अँड नाव वी गोइंग टू अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज वी विल बी वॉचिंग सम स्टिल्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, सो लेट्स वॉच इट, achievements, I think it's beautiful to have him on the show here, Dhruv, going forward grandmaster Asia Book of Records, kaise itne achieve kar lete ho ye wo batao main, aur ek grandmaster kaise mila aapko, maine chess mein suna tha grandmaster hota hai, but swimming mein grandmaster kab se ho gaya bhai, ye tera batao, एक्चुअली सर मैंने जो इवेंट किया था मोराबोट टू कासा आइलैंड जी, वो बहुत टफ चैनल है जी, और इतने कम टाइम में इतना बड़ा चैनल सेम मोमेंटम में करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क जी, सो उसके बेस पे मेरे को ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है, हाँ, सो वो इवेंट जो था वहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज बहुत थी इवेंट, क्योंकि जहाँ से वेव्स आ रहे हैं एंड आई एम स्विमिंग इन दिस वे, सो वेव जहाँ से आ रहा है यहाँ से स्विम कर रहा है, जैसे अपन ट्रेडमिल पे भागते हैं ना कि जैसे हाँ वी आर रनिंग बट एक ही स्पॉट पे आगे नहीं बढ़ रहे, तो वैसे स्विमिंग का भी हुआ था कि हम स्विम कर रहे हैं लेकिन वेव्स पीछे पुश कर रहे हैं, सो वो चैलेंजिंग पार्ट था, और वो इतना चैलेंजिंग होने के बाद भी इतने कम टाइम में वो इवेंट कंप्लीट हुआ है जी 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 जी, सो इसके लिए ये खिताब आपको ये मेरे को मिला है, आपने जैसे वेव्स की बात की हाँ, तो वो जो वेव्स आती है तो स्प्लैश होती है आपके चेहरे पे हाँ, and it pulls you back yes, so वो सेकंड क्या आपको लगता है वो टाइम पे कि मैं पीछे जा रहा हूँ
या मैं कुछ होने वाला है मेरे साथ, ऐसा कुछ माइंड में आपके रहता है? जहन में माइंड में सिर्फ एक ही रहता है, टारगेट आगे उस पर पहुंचना है मेरे को, बाकी मैं कुछ सोचता नहीं वो टाइम पे, बस आगे जाना है, जीतना है, आगे जाना है, रिकॉर्ड बनाना है बस, बाकी क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ अगर एक ही माइंड सेट रहेगा ना तो ही वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर 10 ख्याल आ रहा है दिमाग में कि एक स्विम कर रहा है लेकिन वो सब, क्योंकि स्ट्रोक्स पे भी फोकस करना है, किंग पे फोकस करना है, सब चीज़ पे फोकस करना है, अगर माइंड शांत रहेगा तो वी कैन फोकस ऑन आवर टारगेट। अगर एक ही दिमाग में 17 सवाल दौड़ेंगे ऐसा करूँ वैसा करूँ तो नहीं पहुँच पाऊंगा इतना फास्ट वो पॉइंट पे। बहुत बढ़िया अल्फाज कहे इन्होंने आज। बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करो, रिलैक्स करो, अनगिनत विचार नको आणून देऊ, चांगले विचार आणून द्या आणि फोकस करा तुमच्या स्विमिंग वर, तेव्हा तुम्ही पुढे जाल आणि एवढे अवॉर्ड्स तुम्हाला मिळतील। स्कूल को और कॉलेज को दोनों को मैं सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहूंगा क्योंकि मेरा स्कूल भी वही है, मेरा कॉलेज भी वही है, सेंट मेरी स्कूल में भी था और कॉलेज में वही था। एक्चुअली स्कूल और कॉलेज ने दोनों ने मेरा प्रमोशन, मेरे को हेल्प बोथ किया है। लाइक मेरा रिकॉर्ड आया, जैसे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आया मेरा, तो हमारे प्रिंसिपल है फादर अब्राहम जोसेफ सर, तो उन्होंने कॉलेज के बाहर लाइक मेरा बैनर पुट अप किया है एनुअल डे में, मतलब इन थाउजेंड्स ऑफ लोग के सामने ट्रॉफीज़ वगैरह प्रेजेंट की है, उन मेरे सामने उनको बताया लोगों को कि मैं कौन हूँ, तो मतलब मेरा जो लाइक है जो बोलते हैं ना प्रमोशन, लाइक पीपल नो अबाउट मी, तो वो स्कूल ने मेरे लिए बहुत किया है। और बाकी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाता है लाइक टाइम वगैरह में, थोड़ा समटाइम्स टीचर लोग थोड़े से मस्ती किए तो टीचर लोग नेगलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा हाँ, तो कितने साल के हो? मैं अभी 18 हूँ। 18 साल के? अच्छा 18, मतलब आप एडल्ट बन चुका अब। हाँ सो फॉलोइंग आपके फ्रेंड्स लोग हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स होते हैं, हाँ। तो आपके कैसा उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं अभी आपके साथ? कैसे, नॉर्मल ही है सब, कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था मेरे को, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर स्पेशल ट्रीटमेंट एक बार मिलने लगा ना लाइक वो पापा ने जैसे बोला पहले कि दिमाग में आ जाता है, तो इसमें मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे कि जितना नॉर्मल रहेगा उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं इनको बॉयज से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए बट गर्ल्स से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ये छुपा रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आगे जब पढ़ते सर, व्हाट डू यू फील आगे इसका फ्यूचर कैसा लगता है आपको? फ्यूचर तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही चाहेंगे और अच्छा होना ही चाहिए, आपको मेहनत के अलावा दूसरा कुछ है नहीं जी। अगर आपको अपने आप अगर मेहनत करोगे तो आपको खुद को एक अच्छा लगेगा कि मैं मेहनत करके ऊपर आया हूँ जी। हाँ हमारा सपोर्ट तो रहेगा, मेरा सपोर्ट है, मेरे एंटायर फैमिली का सपोर्ट है उसके लिए, बट उसके पीछे आपको मेहनत करनी है जी। आप मेहनत करेंगे तो हम लोग तो पीछे है ही। बट कोई टारगेट्स आपने सेट किए हैं, जैसे अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गए? यस सर। इसके अगले बहुत सारे बुक ऑफ वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है, सो आपने कोई ऐसे टारगेट्स रखे कि हर साल में एक बुक रिकॉर्ड्स हम करेंगे या फिर इंटरनेशनली आप कुछ कोशिश करने के प्लान कर रहे हैं? हम लोग इंटरनेशनल कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं संकेत सर कैसे प्लान आउट करेंगे, जब वो थॉरो नहीं होंगे जी तब तो हम लोग वो प्लान नहीं कर सकते जी। प्लानिंग्स तो है पर अभी जैसे पैंडेमिक के सिचुएशन थोड़ा उनका रीशेड्यूल हो गया, पूरा शेड्यूल खराब हो गया है, प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया जी, अभी जस्ट थोड़ा सा स्विमिंग चालू हुआ है अभी, तो लेटर अभी जितना टाइम खराब हुआ है उतना उसको कवर करने को भी टाइम लगेगा जी। बिकॉज स्विमिंग इज लाइक दैट कि आपको पानी में रह के आपका स्टेमिना मेंटेन रखना है, बिकॉज 6-7 महीने अगर आप पानी से बाहर रहते हैं तो आपको स्टेमिना बिल्डअप करने को उतना ही टाइम लग जाता है। जस्ट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर क्यों कितना कवर करता है जी, ऐसी बात है जी सर। तो और प्लान्स आर लाइक दैट इंटरनेशनल करना है जी, बट जस्ट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। यस 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 एग्जैक्टली। व्हाट आर द गुड क्वालिटीज गुड स्विमर शुड हैव? गुड स्विमर शुड कुछ नहीं, सबसे क्वालिटी से कुछ चाहिए नहीं, अपने सर से और प्रैक्टिस से, मतलब बी लॉयल। अभी सर इतने सारे बच्चे सर आप पे कंटिन्यू फोकस नहीं दे सकते, तो सर ने आपको बोला हाँ यू गो 1000 किक 1000 स्विम, तो वो है आपको कंप्लीट करना है वो जी। आपको अभी आप 500 600 करके सर को बता रहे हो सर मैंने इतना कर दिया, तो वो आपका ही नुकसान है, उसमें आपका परफॉर्मेंस कम होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप उसी में रहने वाले हो हमेशा। तो सबसे बड़ा क्वालिटी की बी लॉयल ऑलवेज। Sanket sir, if you are watching this, you actually missed out because a lot of compliments are coming over here towards the end of the show. I think you really deserve it because it's been a you have a wonderful swimmer over here. Speaking about the family, I feel your parents, especially your dad, has supported you a lot during this journey of yours. Yes. So, kuch alfaz, chand alfaz aap kehna chahenge aapke dad ke liye? जो भी है, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह ऐसे सब जो कुछ भी रहने दो, छोटे से छोटे अचीवमेंट बड़े से बड़ा अचीवमेंट जो भी हो, मेरे मम्मी डैडी को और मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मैं डेडिकेट करता हूँ।
सो डैडी बाकी लोग ने सब ने बहुत सपोर्ट किया है। बाद में पापा ने मेरा सब वर्कआउट्स वगैरह सब लिया था पहले, अभी भी लेते हैं, मतलब पूरा बॉडी वर्किंग आउट वर्कआउट्स वगैरह सब पापा ही सपोर्ट करते सबके लिए। और दादाजी भी है, वो भी ऐसे लाइक एनकरेज करते कि हाँ आगे कर। सो दादाजी जो है मेरे, वो मतलब मेरे को सपोर्ट करते कि हाँ बेटा आगे करो करो, टेंशन मतलब आपको जो करने का है वो करो, मतलब सो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि बाकी वो एक पॉजिटिव वे है दादाजी का, पेरेंट्स का, सबका। लाइक वो किसी चीज़ के मेरे को ना नहीं करते, को ना नहीं करते इसलिए अब ये सब हुआ है। पहले अगर ऐसा वो किसी ना करते गए तो उसमें हर्डल्स आते हैं, अभी एक ही बार कंटिन्यूस हाँ है तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। सो ये सबसे ज़्यादा थैंक यू तो उन्हीं लोगों के लिए, दादाजी को है, दादी माँ को है, मेरे डैडी मम्मी एंटायर फैमिली सबको है, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली, हम लोग के नाम नहीं ले सकते एक एक काम है। तो इवेंचुअली सबको ऑल ऑफ देम थैंक यू एवरीवन। क्या कहूँ मैं, इतना ही कहूँगा कि वंडरफुल ब्लेस्ड फैमिली, वंडरफुल अचीवमेंट्स, वंडरफुल पीपल वी हैव विद अस। भैया हम शो के एंड में आए हैं अभी, हाँ। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप क्या टारगेट्स रखते हैं अगले एक साल के, आप मुझे बता दीजिए। अगले एक साल के सर ऐसा कुछ मैं अभी टारगेट ऐसा स्पेसिफिकली बताऊंगा नहीं कुछ, क्योंकि अगर किसी ने कुछ बताया ना तो लाइक पीपल देख हाँ तूने ये नहीं किया, कुछ और ही किया तूने, तो वैसा लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि किसी कुछ बताने का नहीं, जो है करते जाने का, अपने आप हुआ हुई चीज़ अच्छी रहती है हमेशा, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अभी देखो मैंने अभी कुछ बता दिया कि हाँ मेरे को ये करने का, अगर मेरे से वो नहीं हुआ ना तो लाइक 10 लोग सुना के आएंगे हाँ तूने तो पहला बोला था कि ये करेगा लेकिन ये तेरे से नहीं हुआ है, तो उससे अच्छा कि मैं कुछ ना बताऊँ और जो एक्सीडेंटली हो रहा है होते जाओ, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए। अच्छा जो एक्सीडेंटली हो रहा है वो होते जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ भाई। आपने क्या मुझे मेरे बारे में कुछ मतलब नहीं सर नहीं, ये गलतियाँ मैंने की थी स्टार्ट में, मैंने सबको बोला था कि मैं 5 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में ये करूंगा, 1 साल में ये टारगेट्स करूंगा, लेकिन इतना आलसी था ना कि आगे जाके वो कभी कंप्लीट नहीं होते। फिर वो पूछे अरे भाई तू करने वाला था ना, क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े बातें की, वही सब नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए कुछ नहीं बताने का, जो है वो करते आने का। तो कुछ बताया ना ऐसा तो पीपल आर लाइक फोकसिंग ऑन अस कि हाँ ये करने वाला था, बाद में वो टांग खींचते हैं कुछ नहीं कर पाए तो हाँ तू तो ये तो नहीं कर पाए, उसके ऊपर क्या करेगा, उससे अच्छा नहीं बता के जो करेगा वो लोग सबसे ज्यादा सरप्राइज रहेगा। आई थिंक जो गलतियाँ मैंने की है वो ये नहीं कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस, वेरी थिंग्स टू लर्न ओवर यार। लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं की मेरे बारे में? नहीं सर कुछ नहीं, मतलब क्योंकि मैंने आपके पूरा बायोग्राफी आपकी पढ़ के मैं आई हैड कम विद द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, बिकॉज़ वंडरफुल थिंग व्हिच यू सेड ओवर हियर, आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ आई थिंक, कीप द ड्रीम्स टू योरसेल्फ, डोंट डिस्क्लोज इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन टुडेज जनरेशन व्हिच वी शुड हैव। सो कमिंग बैक टू यू, एनी स्पेशल मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द इंडियन पेरेंट्स, अगर उनके बच्चे स्विमिंग में आना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन स्विमिंग, आगे जाना चाहते हैं नेशनल्स पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एक्चुअली कमिंग टूवर्ड स्विमिंग ऐसा है ना कि स्विमिंग तो बेसिकली सबको आना ही चाहिए, एक तो फिटनेस लेवल पे अच्छा है, एक वो ऐसा है कि एक बार आपने फिट स्विमिंग कर दिया तो सारा वर्कआउट किया एक बार वो एक हो जाता है, आपको उसके अलावा दूसरा कोई जिम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। और पहली बात तो अगर कोई किड या कोई भी लड़का या बच्चा जो भी है तो स्विमिंग करना चाहता है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम एक ही कोई स्पोर्ट्स में अगर फोकस रहेंगे तो फिर वो ग्रोथ होगा नहीं। एथलीट एक वैसा होना चाहिए कि सब जगह से किधर ना किधर से एक एक इंडिया को एक एथलीट मिलना चाहिए, जिससे अपने इंडिया का भी नाम हो अपना भी नाम हो। बस ये मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऑब्वियसली कि बच्चों को सपोर्ट करना ही चाहिए, पढ़ाई के बारे में भी कहना चाहिए, बच्चे भी उतना होना चाहिए कि पढ़ाई भी करो और स्पोर्ट्स भी करो, बेसिक दोनों चीज़ इक्वली होनी चाहिए। वंडरफुल, दिल के मेरे जज्बात इन्होंने अपने जबान से कह दी है आज, बहुत बढ़िया अल्फाज थे ये। आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम सर, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। अगले एक साल में ऐसी किसको बताना मत, रिकॉर्ड करते रहना, अचीवमेंट्स करते रहना, हम फिर मिलेंगे। अरे वैसे भाई ऐसी कुर्सियों पे छाप छोड़ दी आपने, ये कुर्सी आपकी, ये कुर्सी मेरी, ये कुर्सी उनकी, और ये संकेत सर जब आएंगे तो ये कुर्सी उनकी, हम इसमें हमारे नाम लिखे थे, ऐसे ही आप वर्ल्ड रिकॉर्ड करिए, गिनीज बुक करिए, और क्या तो कौन से पता नहीं कौन से कौन से रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सारी कीजिए। इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू ध्रुव सर, थैंक्स अ लॉट। बिफोर लीविंग थोड़ा हमारी भी तारीफ कर दीजिए सर। थैंक यू सर, आपने हमें आपके शो पे बुलाया है, और सर आपको भी सबसे बड़ा थैंक्स है, क्योंकि सर आप जो बाकी हम लोग जैसे स्विमर्स हैं आप उनको एंकरेज करो, ऐसे लोग उनको और जाने, तो आपके आपके मीडियम से लाइक मैंने लोग बहुत सारे हम लोग को देख रहे हैं, तो सब आप हमारे प्रोमोटर हो, ऐसा आपको थैंक यू कहते हैं। परफेक्ट शो,
सबकी तारीफ हो गई, हमारी भी तारीफ हो गई, क्या चाहिए और आई थिंक जोक्स अपार्ट, कीपिंग जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा लगा ध्रुव, आपने आपको अच्छा लगा ये पूरा शो आज का माहौल, आई थिंक इट्स एनएमए से व्हिच हैज गिवन दिस होल फायदा जो है उनकी वजह से हमें मिला है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस एग्जैक्टली सर, एनएमए से तो है ही, एनएमए से प्लस डॉक्टर राणे सर, डॉक्टर विजय पाटिल सर, प्लस संकेत सर, जिन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, संकेत सर ने इतने उस पर मेहनत करी है, और उस पर भी आपका भी कुछ हाथ बार लग गया है सर, कि मेरे बच्चे का आपने इंटरव्यू लिया है, आपने उसका पूरा वर्कआउट चेक किया, उसकी हिस्ट्री निकाली, और आपने हमको इन्वाइट किया इस शो पे, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चों को इतना प्रमोट कर रहे हो, ऐसे मैं भी ये विश करूँगा कि और ऐसे और बच्चे, ऐसे और एथलीट को प्रमोट करो आपके चैनल थ्रू, इसको आपको भी अच्छा लगेगा। और रियली बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शेड्यूल किया हमारे लिए, आपको इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमको बुलाया, आपने आपका समय दिया, इट्स वेरी थैंकफुल। गोल्डन वर्ड्स अटर्ड फ्रॉम सर्स माउथ राइट नाउ, दैट आई वुड लाइक टू से दैट इन दैट वे। सर इट वाज बढ़िया आपने कहा है, लेकिन हिस्ट्री हमने भी चेक की, इन्होंने भी हमारी हिस्ट्री चेक की कुछ पॉइंटर्स में, लेकिन वी हैड अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस, ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, जो भी आप कीजिए दिल से कीजिए, बाकी हमारी दो आपके साथ में ही है, एंड बी अ वंडरफुल पेरेंट एज यू हैव बीन टिल डेट, वी विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, विल मीट अनदर ग्रुप ऑफ स्विमर्स इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरव्यू, विल बी हैविंग ध्रुव वंस अगेन ऑन द शॉर्ट सीट विद मी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय सेल्फ, एंड सर इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिमसेल्फ, सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल ओवर हियर, and sir take care of yourself, stay tuned for the future, bye bye.